नमस्कार सभी को। ये हमारी बालाजी हैं, बालाजी 3D मशीन है, और आज मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें बिलिंग के बाद रिटर्न बिलिंग किस तरीके से की जाती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक बिल प्रिंट करता हूँ, इसके लिए मैं दबाता हूँ फॉर्मल पैंट सेट क्वांटिटी 2। इसका रेट 500 रुपये बाई डिफ़ॉल्ट है, अगर मैं चाहूँ तो इसे कम ज़्यादा कर सकता हूँ। अगर मुझे इस प्रोडक्ट में डिस्काउंट देना है किसी कस्टमर्स को, तो वह यहाँ से भी अवेलेबल है, और आप मैन्युअली भी कम कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इस पर 10% डिस्काउंट भी ऐड करता हूँ, तो ये आपका हो गया आइटम 1 क्वांटिटी 2 एंड अमाउंट 720 रुपीज़ एंड डेट एंड टाइम। अब मैं इसका प्रिंट निकालता हूँ, तो ये मुझसे कस्टमर नेम पूछेगा। अगर आपको बिल पर कस्टमर नेम चाहिए तो इसे आप अनेबल कर सकते हैं, वरना इसे आप डिसेबल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ नाम डालता हूँ किसी का, कस्टमर का जो भी हो आप नाम डाल सकते हैं यहाँ, एंड एंटर। अब कैश रिसेप्शन का ऑप्शन होता है, यहाँ बिल अमाउंट हुआ 720 रुपये। अब मान लीजिए कस्टमर ने हमें 1000 रुपये दिए, इस तरीके से बिल प्रिंट होकर बाहर आएगा, जिसमें आपका कंपनी का नेम, एड्रेस, डिटेल्स रहेंगी, मोबाइल नंबर आप डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट वगैरह, एंड और आप देख सकते हैं बिल नंबर है, डेट है, टाइम है, नेम है, सीरियल नेम, सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस एंड अमाउंट, टोटल अमाउंट। इसके बाद यहाँ देखिए आइटम 1 क्वांटिटी 2 अमाउंट 800 रुपये, डिस्काउंट 80 रुपये, एंड इसका ग्रैंड टोटल हो गया 720 रुपये। इसके बाद हमें कैश रिसिप्ट हुआ था 1000 रुपये का, एंड अमाउंट बिलिंग अमाउंट है 720 का। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ रिटर्न अमाउंट आपको कस्टमर को कितना अमाउंट रिटर्न करना है आप देख सकते हैं। यहाँ आपको कैलकुलेशन प्रॉब्लम आपकी यहाँ सॉल्व हो जाएगी। और नीचे आप देखेंगे यहाँ 720 रुपीज़ ओनली इनवर्ड्स लिखा हुआ है, एंड लास्ट में आप थैंक यू मैसेज डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं लास्ट में। अच्छा, इसके बाद अब मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें रिटर्न बिलिंग किस तरीके से करते हैं। होम स्क्रीन पर आइए, एंड मशीन में एक फ़ीचर होता है रिटर्न बिलिंग का, उसे आप अनेबल कर दीजिए। अनेबल करने के लिए आप मेन्यू पर जाइए, मेन्यू में सेटिंग्स हैं, बिल सेटिंग, एंड यहाँ आप नीचे देखेंगे नंबर 9 पर रिटर्न बिलिंग, इससे आप प्रेस 1 करके अनेबल कर सकते हैं। ये हो गया अनेबल, ऐसा करके होम स्क्रीन पर आते हैं। जब मैं ये डाउन बटन प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ रिटर्न बिल अनेबल्ड हो जाता है, एंड इसके बाद मुझे बिल नंबर देखना होगा किसका मुझे प्रोडक्ट रिटर्न करना है, नंबर 13। जब मैं यहाँ नंबर 13 प्रेस करूँगा, अरे सॉरी, एंटर करूँगा, तो उसका पूरी डिटेल मेरे पास आ जाएगी। बिल नंबर 13 फॉर्मल शूज़ क्वांटिटी 2 अमाउंट 800, ये हो गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एंटर। पहले मेरे पास 191 स्टॉक था, अब मैं इसको एंटर करता हूँ, डिस्काउंट नहीं, कैंसिल, एंड एंटर। इस तरीके से रिटर्न की भी आपको कॉपी मिलेगी, रिटर्न बिल। ठीक है, थैंक यू।